अब हम अपने इनबिल्ट स्टैक को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैक को इंक्लूड करेंगे। हमारा ये जो स्टैक है जो C++ में पहले से ही डिफाइन है, हमारा जो इनबिल्ट स्टैक है वो टेम्पलेट से बना हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो स्टैक है उसमें कौन सी वैल्यू हम लेने वाले हैं। हमने अपने टेम्पलेट्स को भी पढ़ा है, इसमें भी हमारे पास वही 5 फंक्शन है। तो हमारे इनबिल्ट स्टैक में भी हमारे पास 5 फंक्शन डिफाइन है, पुश पॉप टॉप साइज और एम्प्टी। पुश तो सिम वर्क करता है हमारे जैसा हमने क्रिएट किया था सिम टू सिम। पॉप में क्या डिफरेंस है कि हमारा जो पॉप फंक्शन था वो वैल्यू को रिटर्न करता था, जिस वैल्यू को डिलीट करता था, लेकिन हमारे इनबिल्ट जो स्टैक है वो किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। टॉप फंक्शन सेम वर्क करता है, हमारे स्टैक के टॉप को बताता है। साइज फंक्शन भी सेम वर्क करता है, हमारे स्टैक का क्या साइज है ये बताता है। और हमने अपने इज एम्प्टी फंक्शन क्रिएट किया था, हमारे इनबिल्ट जो स्टैक है उसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एम्प्टी फंक्शन है उसके लिए। तो पुश करते हैं हम एलिमेंट अपने स्टैक में, हमने 40 और 50 अपने स्टैक में एंटर किया। हमने उसके बाद पॉप को कॉल किया, मतलब 50 डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने टॉप को क्रिएट किया, टॉप हमें क्या रिटर्न करेगा, स्टैक का टॉप क्या है हमारे पास 40 आ जाएगा और हमारा साइज आ जाएगा 1 और एम्प्टी आ जाएगा फॉल्स। तो रन करते हैं इसे। तो हमारे पास 40 आ गया, 1 आ गया हमारे पास स्टैक का साइज और 0 आ गया हमारे पास हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। तो अब हम स्टैक का यूज़ करके अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस प्रॉब्लम का नाम है हमारे पास बैलेंस पैरेंथेसिस। जैसे कि हमें पता है हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन जाएगी, हमें ये बताना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें ब्रैकेट्स जो है वो बैलेंस है या नहीं। बैलेंस का मतलब है जो भी हमारे पास लास्ट में एंटर हुआ है वही क्लोज होना चाहिए सबसे पहले। जब पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सबसे पहले आया ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने इसे एंटर करा दिया स्टैक में। उसके बाद हमारे पास ये आया ओपनिंग ब्रैकेट, इसे भी एंटर करा दिया। उसके बाद हमारे पास ये आया, इसे हमने स्टैक में एंटर करा दिया। जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास स्टैक का जो टॉप है वो ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, वो इसी का ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। तो उसके लिए हमने चेक किया कि ये कंडीशन 2 है, ओपनिंग ब्रैकेट है इसका, तो हमने इसे पॉप करा दिया। उसके बाद हम इसे एडिट करेंगे, इसके बाद इसे देखेंगे कि हमारे स्टैक का टॉप जो है क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट सेम है या नहीं। हाँ, इस कंडीशन में हमारे पास सेम है तो हमने इसे पॉप करा दिया। और फिर इसे चेक करेंगे कि हमारे पास स्टैक का जो टॉप है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो सेम है या नहीं। तो हमारे पास सेम है तो हमने पॉप करा दिया। तो एंड में हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसमें बैलेंस पैरेंथेसिस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग में जो है मतलब जो भी ब्रैकेट्स हैं वो बैलेंस नहीं है। जैसे कि इस कंडीशन को चेक करते हैं। अब हम इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एंटर कराएंगे अपने स्टैक में। ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमने स्टैक में एंटर करा दिया, उसके बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को हमने एंटर करा दिया। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग। हम बस सबसे पहले क्या आया, हमारे पास क्लोजिंग आया, हमारे पास किसकी, पैरेंथेसिस की क्लोजिंग आई। तो हमने चेक किया कि ये दोनों सेम नहीं है, तो हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिए कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस नहीं है। इसे चेक करते हैं हम। इसे हमने क्या किया, सबसे पहले इसे एंटर करा दिया अपने स्टैक में, उसके बाद इसे एंटर कराया हमने अपने स्टैक में। हमने चेक, उसके बाद जैसे ही क्लोजिंग आया हमारे पास, हमने चेक किया कि स्टैक का टॉप जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, इसका ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, तो वो दोनों सेम है, हमने पॉप करा दिया इसे। इस कंडीशन में हमने इसे पॉप करा दिया। उसके बाद हम इसे एडिट करेंगे, इसे चेक किया ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हमने इसे क्या कर दिया, पॉप करा दिया अपने स्टैक में। और इसे एडिट किया तो हमने चेक किया कि हमारे स्टैक का क्या टॉप जी है, ओपनिंग ब्रैकेट है क्या। हमारे पास कंडीशन आई ट्रू, तो हमारे पास जी जो है पॉप करा दिया हमने इसे भी अपने स्टैक से। लेकिन हमारे स्टैक में क्या हुआ, अभी हमारे स्टैक जो एम्प्टी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जी जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस नहीं है। तो इसे कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक अपनी स्ट्रिंग को इंक्लूड करेंगे। अब हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, तो हमने अपनी स्ट्रिंग को एंटर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए। इस फॉर लूप से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं
अब हम क्या करेंगे, सब तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो ब्रैकेट है, हमें से ब्रैकेट पे वर्क करना है और किसी पे नहीं करना। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ब्रैकेट है या नहीं। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट होता है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इफ कंडीशन लगा दी हमने कि हमारा जो कैरेक्टर है अगर इसके इक्वल होता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स के अगर इक्वल होता है हमारा जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, तो हम क्या करेंगे अपने, तो हम अपने कैरेक्टर को अपने स्टैक में पुश करा देंगे। तो हमने क्या किया, अगर हमारा कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर इन तीनों ब्रैकेट के इक्वल होता है तो हम अपने एलिमेंट को पुश करा देंगे अपने स्टैक में। अगर ऐसा नहीं होता है ने ओपनिंग ब्रैकेट को जहाँ पर हैंडल कर लिया, अब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट को देखना है। अगर हमारे पास जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमारे स्टैक का टॉप, हमारे स्टैक का टॉप अगर जैसे कि ये, अगर ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हमें स्टैक का टॉप चेक करना पड़ेगा कि ये स्टैक का टॉप है। अगर ऐसा होता है तो हम पॉप करा देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न करा देंगे और रिटर्न जीरो कर देंगे। तो ये चीज़ हमें तीनों ब्रैकेट्स के लिए करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम चेक कराते हैं अपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट को, इसे रीड किया हमने तो स्टैक का टॉप ये होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो पॉप करा देंगे हम, अगर ऐसा नहीं करता है तो हम क्या करेंगे फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अब पैरेंथेसिस को भी चेक करते हैं हम, क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड करेंगे तो हमें क्या चेक करना है कि स्टैक का टॉप ये है क्या। अगर स्टैक का टॉप ये होता है तो हम सिंपली पॉप करा देंगे उसे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न करने के बाद हमें क्या करना है, तो हम फॉर लूप से बाहर आएंगे, फॉर लूप से बाहर आके हम क्या चेक करना है, हमें अपने स्टैक का साइज को चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी होता है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले तो हमने अपनी स्ट्रिंग को एंटर किया, स्ट्रिंग के बाद हमने चेक किया ओपनिंग ब्रैकेट्स को अपनी, अगर हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स आते हैं तो हम क्या करेंगे उसे स्टैक में पॉप करा देंगे। उसके बाद हमने क्लोजिंग ब्रैकेट को, अपने तीनों क्लोजिंग ब्रैकेट को रीड किया, फर्स्ट वाले को यहाँ पर रीड किया, सेकंड वाले को यहाँ पर रीड किया और थर्ड वाले को यहाँ पर रीड किया। अगर रीड कर रहे हैं तो हमने क्या चेक करना है, हमें स्टैक का टॉप, इस अगर क्लोजिंग ब्रैकेट को हम रीड कर रहे हैं तो स्टैक का टॉप ये होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो हम क्या करेंगे पॉप करा देंगे अपने स्टैक के टॉप को, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे फॉल्स रिटर्न करा देंगे, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, तो हम यहीं से सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। वैसे सेम इसी तरह से इसमें वर्क कर रहे हैं, सेम इसी तरह से इसमें वर्क कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद हमने क्या किया, अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी होता है तो हम प्रिंट करा देंगे कि हमारा स्टैक जो है वो बैलेंस है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंट करा देंगे हमारा स्टैक जो है बैलेंस नहीं है। तो इसे रन करके देखते हैं एक बार, हमने जो स्ट्रिंग दी थी उसके लिए सही वर्क कर रहा है जी। एक बार स्ट्रिंग देके देखते हैं हम, तो इसे भी रन करते हैं, इस कंडीशन में हमारे पास फॉल्स आ गया। एक और स्ट्रिंग एंटर करा के देखते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास फॉल्स आ गया।